अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लतीफ़ कामरान अंसारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन तेलंगाना। आइए डालते हैं आज की तफसीलात पर एक नज़र। सब ये जो मौजूदा सूरत हाल में आपका जो एक फेडरेशन है उसके आप जिम्मेदार हैं, तो रोटी कपड़ा फेडरेशन की जानिब से ऐसे माहौल के अंदर आपकी क्या क्या खिदमत हो? हमारी तरफ से हम लोग 3 बार प्रोटेस्ट किए हैं मस्जिद मुनव्वरा और रोटी कपड़ा फाउंडेशन के तहत, रैली भी निकाले हैं वहीं पे फाउंडेशन के पास में, और सुप्रीम कोर्ट को हम लोग PIL के तहत एक पेटिशन सिंगल फर्दन के हिसाब से हम लोग पोस्ट किए हैं। मोर देन 150 पेटिशंस हम लोग सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं, और कंबाइन लास्ट वीक हम लोग एक 1800 साइनिंग कंपेनिंग करके वो भी भेजे हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो ऑलरेडी वो लोग आप लोग पोस्ट कर दिए? जी हाँ, पोस्ट कर दिए वो। तो इसके अंदर जो आप लोग की नेक्स्ट जो फ्यूचर के अंदर या मुस्तकबिल के अंदर आप ऐसा कुछ प्रोग्राम प्रोटेस्ट का बना रही या जो है ना आप लीगली जो है ना जो अमन का जो रास्ता है वो इख्तियार करते हुए क्या प्रोग्राम हम लोग बनाए थे कि साइलेंट प्रोटेस्ट रैली निकालने के लिए मैं खुद गया था ACP साहब के पास, लेकिन परमिशन नहीं मिला। और तेलंगाना में खासकर हैदराबाद में रैली का परमिशन नहीं दे रहे हैं। दूसरे तमाम स्टेट्स में रैली निकाली जा रही है। मेरी यह रिक्वेस्ट है कि तेलंगाना CM KCR साहब से और पुलिस से कि पुरअमन रैली निकालने के लिए परमिशन दिया जाए। लोग बाहर से, दूसरे स्टेट से, गल्फ से हैदराबाद के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि रैली के लिए परमिशन दिया जाए, साइलेंट रैली निकाली जाएगी, प्रोटेस्ट किया जाएगा। आमतौर पे जैसे केरला जो स्टेट है और दूसरा मगरबी जो बंगाल है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, वहाँ की जो सरकार है, ये NPA को लेकर वो लोग जो है ना इसके अंदर अदम तावन करेंगे और जो है ना इसको मनसूख करते, इसको लागू या नाफिज नहीं करेंगे, तो आपका हमारे KCR तेलंगाना सरकार से क्या मुतालबा है? उनसे रिक्वेस्ट है कि दूसरे CM जैसा आगे आए हैं रैली के साथ में, वो लोग आवाम के साथ में खड़े हैं, मेरी रिक्वेस्ट है KCR साहब से कि वो भी आवाम के बीच में आए और इसका प्रोटेस्ट करें। जो भी NRC CAA NPR सब की मुखालिफत करें, खुल के आएँ, वो उनकी खामोशी से लोग को शक व शुबहात पैदा हो रही है। मेरी रिक्वेस्ट है कि KCR साहब आप आगे आएँ और लोगों के बीच में आए, रैली का परमिशन दें, आप भी मुखालिफत करें इस बिल की। ये काला कानून, ये हम इसको सिरे से मुस्तरद करते हैं। जैसा कि आप भी एक मस्जिद के एक जिम्मेदार हैं, मस्जिद मुनव्वर के जो है ना आप सेक्रेटरी है, तो आपकी जानिब से जो मुसल्लियाँ जो आते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी आपसे जो जुड़ती है आपके एरिया में, उनको आप जो है ना अवेयरनेस के लिए तो जिस किस्म से प्रोग्राम्स चलाते हैं, तो क्या आप और भी दूसरे जो मसाजिद के जो जिम्मेदार हैं उनसे अपील करना चाहेंगे कि पब्लिक को अवेयरनेस के लिए उनको बार बार इस तरह रागिब किया जाए? बिल्कुल, मैं तमाम यहाँ के जितने हैदराबाद के मसाजिद है उन सारी कम्युनिटियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी अपनी मस्जिद के तहत ये प्रोग्राम चलाएँ, रैलीज निकालें, प्रोटेस्ट करें, बगैर परमिशन के नहीं, परमिशन लेकर निकालें, और अपनी मस्जिद के सामने प्ले कार्ड्स लेके साइलेंट प्रोटेस्ट करें अगर परमिशन ना मिलता है तो। और ये मेरी रिक्वेस्ट है तेलंगाना CM साहब से कि हर आदमी का ये कानूनी हक है कि वो रैली निकाले, प्रोटेस्ट करें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप परमिशन की इजाज़त दें। और तमाम मसाजिद की कमेटियों से ये रिक्वेस्ट है कि साइलेंट और बग़ैर कानून को हाथ में लिए के जितना हो सकता एहतजाज करें। इसके लिए एक चीज़ यहाँ पे है कि ये जो प्रोसेस है सारे एक हिंदुस्तानियों की है,
ये किसी कम्युनिटी से इसका ताल्लुक नहीं है बल्कि ये सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए है, तो आप क्या समझते हैं कि ये प्रोटेस्ट को हमेशा मुसलसिल जो है ना इसको तसलसल के साथ करते रहे? बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि ये किसी एक मज़हब के लिए नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित भाई सब के लिए है ये। ये लोग सिर्फ मुसलमान को पहले टारगेट किए क्योंकि ये बड़ी कम्युनिटी है, इसके बाद फर्दन फर्दन हर एक का नंबर आएगा। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित भाइयों से कि सब आगे आएँ और इसी तरह प्रोटेस्ट करें जब तक ये कानून कैंसिल नहीं होता। और दूसरा, अब तो ये NCR CAA NPR नहीं, अब हमको ये हुकूमत ही नहीं चाहिए, BJP हुकूमत मोदी अमित शाह योगी इसकी मुखालिफत करते हैं, इनको हटाया जाए सीट से। ये खास तौर पे जो जो जिस किस्म से बातें ये आ रही हैं कोर्ट के जरिए भी, कहीं ऐसे वाकयात जो है ना आवाम के सामने आए कि वोट या आधार कार्ड जो है NPR के लिए नहीं चलेगा, तो उसी कोर्ट के लिए उनके तहत ही तो हुकूमत जो ना बरकरार हुई, तो आप अमित शाह के लिए क्या उनके इस्तीफा की मांग करेंगे? बिल्कुल, सिर्फ अमित शाह की नहीं, मोदी की अमित शाह की योगी की ये BJP सरकार चाहिए ही नहीं है। अगर ये लोग आधार कार्ड वोटर आईडी या पासपोर्ट को सिटीजन नहीं मानते, उसी वोटर आईडी के तहत इनको वोट दिया गया, तो इनकी हुकूमत डिसॉल्व करनी चाहिए, इनको सस्पेंड करना चाहिए, इनको निकालना चाहिए।